तो गाइस वांडा विजन के पहले दो एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर आ चुके हैं और ये दो एपिसोड जबरदस्त हैं। मार्वल स्टूडियोज वापस आ चुका है वांडा विजन के साथ। वांडा विजन के पहले दो एपिसोड बेस्ड थे 50s और 60s के सिटकॉम स्टाइल पर, जहां डिटेल यहां तक ऐड किए गए थे कि एपिसोड 1 को अगर आप नोटिस करोगे तो वो मोनो ऑडियो में सुनाई देगा। इसके बारे में और ऐसे कई सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वांडा विजन के पहले दो एपिसोड प्रीमियर हुए 15 जनवरी को और बाकी के एपिसोड्स हर फ्राइडे प्रीमियर होंगे हॉटस्टार प्रीमियम पर। तो इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और आज हम पहले दो एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडा विजन के पहले दो एपिसोड्स का। इस वीडियो में वांडा विजन के पहले दो एपिसोड के सीन्स और प्लॉट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे। तो अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। तो स्पॉइलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 1 की। जैसा कि ट्रेलर से हमें दिख रहा था वैसे ही एपिसोड 1 शुरू हुआ, लिटरली एक 1950s के एरा में दिखने वाले अमेरिकन सिटकॉम बीविच्ड स्टाइल में, जहां कहानी शुरू ही होती है वांडा विजन की शादी के बाद के सिनेरियो के साथ। यहाँ अभी तक हमें नहीं दिखाया गया है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद वांडा और विजन का हुआ क्या। सीरीज का एपिसोड 1 ना ही सिर्फ 1950s के सिटकॉम स्टाइल जैसे कि 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, लाफ्टर ट्रैक और छोटे छोटे चीजी पंच को फॉलो कर रहा था, बल्कि इसमें हद तब हो गई जब सिंपल मैजिक को बेसिक जंप कट के साथ दिखाया गया। एपिसोड 1 में कलर आपको दो ही जगह दिखाई दिए होंगे। पहली बार हमने कलर नोटिस किया जब स्टार्क इंडस्ट्रीज का टोस्टमेड एड दिखाया गया, जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, जबकि टोस्टर पर जलने वाली लाइट का रेड कलर विजिबल था। दूसरी बार कलर हमने देखा एपिसोड के एंड में, जहां एक सोर्ड एजेंट वांडा विजन के सिटकॉम को एनालाइज कर रहा था। तो पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज के टोस्टमास्टर एड की बात करें तो मेरे हिसाब से ये एड वांडा के बचपन के उस ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट को सिंबलाइज कर रहा था, जब वांडा और पिएट्रो एक स्टार्क बॉम्ब के साथ मलबे में दबे हुए थे। अगर आपको ये इवेंट याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी क्विक सिल्वर यानी कि पेट्रो मैक्सिमोफ ने सुनाई थी अल्ट्रॉन को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। प्लस टोस्टर का टाइमर सेट करते हुए हमें टोनी स्टार के रिपल्सर की आवाज सुनाई देती है। जब ये लेडी टोस्टर की तरफ देखती है तो मुझे लगता है टोस्टर फटेगा। अब बात करें सोर्ड की, तो जैसे कॉमिक्स में सोर्ड थी वैसे ही मार्वल स्टूडियोज में भी सोर्ड है। फर्क है इनके काम का और थोड़े बहुत नाम का भी। कॉमिक्स वाली सोर्ड सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिपार्टमेंट थी, जबकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंटिएंट वर्ल्ड की जगह सेंटिएंट वेपन कहा गया है, और इस फुल फॉर्म का बहुत सेंस बनता है क्योंकि जहां कॉमिक्स में शील्ड और सोर्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं वहीं एमसीयू में शील्ड अब नहीं है। तो मैं भी सोर्ड ही शील्ड की जगह लेते हुए अर्थ की प्रॉब्लम्स और अर्थ के बाहर की प्रॉब्लम्स से निपट रहे हो। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि विजन का ये पूछना कि उसकी कंपनी करती क्या है और बॉस की वाइफ के सर में दर्द सिटकॉम वाले पार्ट का हिस्सा था या नहीं, पर यहाँ ये बात क्लियर है कि इन सबका कंट्रोल वांडा के हाथों में है, क्योंकि डिनर सीन में वाइफ के एक्सप्रेशन बदल रहे होते हैं जब वो कह रही होती है स्टॉप इट। मे बी उसका सरदर्द हिंट हो कि वांडा की पकड़ उस पर से छूट रही है। प्लस जब बॉस चोक कर रहा था तब विजन तब तक नहीं हिलता जब तक वांडा उसे नहीं कहती। ये सीन लिटरली बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इस पॉइंट तक सीरीज का टोन बहुत सिंपल और चेयरफुल था, पर बॉस की वाइफ के एक एक्सप्रेशन ने पूरे एपिसोड को एक डार्क टर्न दे दिया। प्लस अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट तक सीरीज में 3-पॉइंट कैमरा ऑपरेशन यूज किया जा रहा था, पर इसी सीन के लिए 1-पॉइंट कैमरा पर सीन शिफ्ट हो गया। ये कहना पड़ेगा कि ये एक जबरदस्त टच था। इसके बाद चीजें और डार्क लगी जब सब घर चले गए और वांडा और विजन ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा सेम सीन हमें अगले एपिसोड में भी दिखता है, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की। वांडा विजन का दूसरा एपिसोड बेस था 1960s के सिटकॉम डिक वैन डाइक के स्टाइल में, जहां एपिसोड शुरू होता है वांडा और विजन के घर के पास कुछ आवाज आने से। इन सब के ऊपर एक जबरदस्त इंट्रो। अगर ऐसे ही अलग अलग इंट्रो हर एपिसोड में दिखेंगे तो बात ही कुछ और होगी। तो दूसरे एपिसोड का थीम था टैलेंट शो फॉर द चिल्ड्रन। अब इस एपिसोड में होने वाले इवेंट से पहले बात करते हैं एपिसोड के बीच में दिखने वाले एड्स की। तो दूसरे एपिसोड के बीच में स्ट्रकर वॉच का एड आता है, जहां ये बात कंफर्म हो रही है कि सिटकॉम के बीच में दिखने वाले एड वांडा के ट्रॉमा से जुड़े हुए हैं। तो पहला एड कंफर्म है कि स्टार्क बॉम्ब से जुड़ा हुआ था और दूसरा एड सकर के खतरनाक एक्सपेरिमेंट से। अब मैं मजबूर हूँ आगे के एड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। एपिसोड में हर जगह फॉर द चिल्ड्रन कहा गया है पर बच्चे कहीं दिखे नहीं। ये चीज बहुत क्रीपी थी, लेकिन एक तरफ से साइन था वांडा के प्रेग्नेंट होने का, जो कि एपिसोड के एंड में दिखाया भी जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार फॉर द चिल्ड्रन बुलवा रहा था, जैसे कि ये सब इसलिए हो रहा हो कि वांडा के बच्चों को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। कॉमिक्स में ऐसा पॉसिबल हो पाता है मेफिस्टो की वजह से, पर अभी मेफिस्टो के बारे में कोई भी बात करना जल्दबाजी होगी। प्लस इस एपिसोड में भी कुछ चीजें ऑफ स्क्रिप्ट लगी। पहला बाहर होने वाला शोर शराबा, दूसरा सोर्ड का टॉय हेलीकॉप्टर जो कि अकेली चीज थी कलर में,
तीसरा रेडियो में आवाज आना कि वांडा हु इज डूइंग दिस टू यू, चौथा जेराल्डीन का दिखना और पांचवा बी कीपर सूट में दिखने वाला सोड एजेंट। तो बाहर होने वाला शोर शराबा ऑब्वियसली बी कीपर की वजह से था, जो कि मेरे हिसाब से इस जगह में जिसका नाम है वेस्ट व्यू वहीं सिर्फ बी कीपर सूट में दिख रहा है, जबकि वो हैजमेट सूट में है। प्लस उसके सूट के पीछे दिखने वाला सोर्ड लोगो बता रहा है कि वो सोर्ड एजेंट है। अब उसके दिखने के बाद वांडा का नो कहना और सब कुछ रिवर्स होना लिटरली बहुत स्केरी था। रेडियो में होने वाली बात सीधे सीधे बता रही है कि कोई बाहर वाला वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस जब वांडा कहती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, तब डॉटी कहती है कि उसे भरोसा नहीं है। ये क्लियरली बता रहा है कि ये सारे लोग असली है और सबकॉन्शियसली उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए पहले एपिसोड में बॉस बार बार सवाल पूछ रहा था और उसकी वाइफ उसकी बुरी हालत होते हुए भी हंसते हुए वांडा को रोक रही थी। कलरफुल सोर्ड हेलीकॉप्टर या तो लिटरली एक हेलीकॉप्टर होगा जो कि वेस्ट व्यू में आके टॉय बन गया है, या वो एक सोर्ड ड्रोन होगा जो कि सर्विलेंस के लिए भेजा गया है। इन सब के ऊपर जेराल्डिन जो कि असली में मोनिका रैम्बियो है, वो इस हेलीकॉप्टर के दिखने के बाद ही वहां आई। तो हो सकता है कि वो उस हेलीकॉप्टर से ही आई हो, प्लस वो भी कंफ्यूज है अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। हालांकि असली गलत ना इस भाई के साथ हुआ है। एक सीन में बेचारा पियानो बजा रहा था और अगले सीन में पियानो कार्डबोर्ड प्रॉप बन गया। दुख ही दुख। इन सब के ऊपर मेरे हिसाब से यहाँ सबसे खतरनाक चीज थी वो च्युइंगम। आधे से ज्यादा एवेंजर भी विजन पर आज तक एक डेंट भी नहीं लगा सके और एक च्युइंगम ने उसे मैलफंक्शन कर दिया। अगर इस पूरे सिटकॉम वाले माहौल में कोई है जिसकी आसपास के सिनेरियो को लेकर पूरी पकड़ है, तो वो है एग्नेस। और ऐसा लग रहा है कि एग्नेस सब जानती है और वही एक अकेली है जो कि वांडा को इस रियलिटी में अलग फील नहीं होने दे रही। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स में एग्नेस वांडा की मेंटर होती है। तो अगर आगे जाके एग्नेस वांडा की हेल्प करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो ये तो था पहले दो एपिसोड का ब्रेकडाउन। मेरे हिसाब से दूसरे एपिसोड के एंड में कलर दिखने का मतलब है कि अगले दो एपिसोड में हमें 70s और 80s का एरा दिखाया जाएगा, जिसके बाद खतरनाक एक्शन और रियल वर्ल्ड दिखना शुरू होगा, क्योंकि टीजर और ट्रेलर्स में सिर्फ इन्हीं एरा को दिखाया गया था। इन सब के ऊपर मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ सिटकॉम्स के बीच में दिखने वाले एड्स को देखने के लिए। मैं अपने आप को प्रिडिक्ट करने से रोक नहीं पा रहा, पर अगले दो एपिसोड में हमें पियत्रो की डेथ और विजन की डेथ से रिलेटेड सेमी ट्रोमैटिक एड्स दिखेंगे। पर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन वांडा विजन के पहले दो एपिसोड्स का। इन सब के ऊपर अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप इस सीरीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडा विजन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज वंसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।